आप सभी लोगों को मेरा प्यार प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशील घाटी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, कौन है दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और आज का मौसम आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। पूरी चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाती हूँ आपको सभी को। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो 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 यहाँ देखिए हमारे गांव में एक सिर्फ ये घर दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर छत से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नीचे सड़क पे गाड़ियाँ भी जा रही होंगी और चारों तरफ कोहरा तो लगा ही है। मम्मी छत साफ कर रही है क्योंकि पानी बारिश काफ़ी बारिश हुई है तो इसलिए छत में पानी जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए मम्मी जी पानी साफ कर रही है और कोहरा तो आप ही देख। दोस्तों अभी देखिए पूरा मौसम साफ हो चुका है, बादल हैं पर धूप आ चुकी है, काफ़ी अच्छी धूप लग रही है, ऊपर आँख पे चमक रही है धूप। तो आज काफ़ी टाइम के बाद धूप आई है, मतलब धूप आती थी पर ज़्यादातर मौसम ऐसे रहता है बारिश बारिश। अभी भी बादल हैं, थोड़ा धूप आ रखी है इस टाइम पे। तो देखिए बादल तो वैसे हैं पर धूप कहाँ पर है, ये रही यहाँ पर धूप, आँख पे चमक रही धूप। ये देखिए दोस्तों लेज खा रहा है। ये देखो मुंह भर दिया, अब दूसरा पैकेट फाड़ेगा। और आज दोस्तों मेरी दीदी जी बना रही हैं लौकी के कोफ्ते, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं क्योंकि आजकल मेरी दीदी आई है, जैसा कि आपको पता होगा। वैसे तो आप सभी को पता होगा कोफ्ते कैसे बनते हैं। पहले दीदी ने लौकी को कद्दूकस किया और फिर दीदी ने उसमें बेसन नमक मिर्च मिलाया और अभी दीदी जी उन्हें तल रही है। तो एक घाट तो तैयार हो चुकी है और दूसरी घाट भी रेडी होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों हम तो खाते हैं, आपको भी आना है तो ज़रूर खिलाऊंगी आप सभी लोगों को। दीदी आ जाएगी, दीदी नहीं आएगी तो मम्मी खिला लेगी, तो आना कभी हमारे यहाँ और आपको खिलाएंगे कोफ्ते। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मेरे साथ एक मेंबर और जुड़ चुकी है और आप लोग काफी लोग जानते होंगे पर फिर भी दीपाली अपना इंट्रो कर दीजिए। अभी मुझे जुकाम लगा है। तो ये दीपाली है, काफी लोग जानते होंगे जो मेरे ब्लॉग काफी पहले से देखते होंगे। और ये मेरी बहन है, अपनी बहन। तो फिलहाल दोनों की शक्ल में मिलती है क्या, हम दोनों की शक्ल दाम दोनों की शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती कमेंट जरूर करना। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं, हम जा रहे हैं अभी घूमने, कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। तो सो इस स्थान को, इस प्लेस को तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारी लोकेशन है और वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं ना। हाँ 6 बज चुके हैं और ये देखिए 6:30, हाँ 6:30 हो चुका है तो इसलिए वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा डाउन आ रही है। नदी का पानी कितना मैला हो रखा है, आजकल काफ़ी बारिश हो रही है इसलिए। तो चलते हैं आगे आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। दिल सरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं। तो ये एक ऐसा फल है जिसके, मतलब फल जो लगते हैं वो जड़ों पे लगते हैं, ये बहुत इसका टेस्टी होता है। हाँ ये इसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट जैसे छंचरे जो गढ़वाली लोग जानते होंगे बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है इसका। पर इसका नाम जिसे पता है वो कमेंट कर देना, मुझे तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है। दोस्तों पहाड़ों में रहना और ऐसा नज़ारा देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, काफ़ी रिस्क है, ऊपर से पत्थर पड़ने का काफ़ी डर रहता है। ये देखिए अभी हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा क्योंकि पहाड़ों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऊपर से पत्थर ही। हाँ क्योंकि पहाड़ों के थोड़ा ऐसा होता है ना, पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है।
आज उसे आजकल कावड़ यात्रा भी चल रही है, इस टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों, पर इस टाइम नहीं आज भी शायद। हाँ कल तक तो थी, पर आज क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं आज काफी कम लग रही है। तो ये देखिए पूरे पहाड़ गीले हो रखे हैं, पूरा पानी निकल रहा है आजकल बरसात के कारण, इसीलिए डर रहता है पहाड़ चट्टान का नीचे गिरने का। तो मेरा ये कहना है कि पहाड़ों में जो भी यात्रा करने आते हैं थोड़ा संभल के आइए, क्योंकि डर काफ़ी बना रहता है आजकल के मौसम में, बरसात का मौसम जो है। तो दीपाली और मैं काफ़ी आगे नहीं आए हैं, घर के थोड़ा ही आगे आए हैं, 5 मीटर 10 मीटर की दूरी पर। हाँ थोड़ा सा ही आए हैं। तो दोस्तों और क्या बताएं आपको, यहाँ से लोकेशन बताती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ जो नीचे दिख रहा है ये हमारा जंगल है, यहाँ हम घास काटने के लिए आते हैं यार, ये काम। और ये ऊपर भी है जंगल, पर यहाँ का जो है ना घास गढ़वाली में जिसे बोलते हैं चारी, ये तो 6 मंथ में कटता है यहाँ का घास, पर यहाँ का नीचे का घास कटता रहता है काटने के लिए। देखिए दोस्तों आजकल इन्होंने ना ऐसे ही भगदड़ मचा रखी है यहाँ, इतना शोर शराबा हो रहा है इनके कारण। और सबसे बड़ी बात है ये ऐसे चला रहे हैं ना, इनका ना ही हेलमेट है ना ही कुछ है, और ये वाइट लाइन से इधर ये चला रहे हैं, काफ़ी बच के इनसे बच के जाना पड़ रहा है हमें। दीपाली कुछ बोल रही थी, हम पेड़ लगाने आते हैं वृक्षारोपण के दिन, हरेला के दिन ना, हरेला के दिन दीपाली जी कह रही हैं कि हम यहाँ पेड़ लगाने आए थे, यहाँ ऊपर जंगल में हम भी आते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो दोस्तों ये देखिए नज़ारे ये मौसम। हाँ देखिए ऊपर की साइड पर कितने सारे पेट्रोल पंप के, यहाँ से नीचे पेट्रोल पंप है यहाँ का जो कि कुंड पर है। और देखिए उधर से तो बारिश आना स्टार्ट हो चुका है, हरियाली फैली है आजकल सब जगह। हाँ आजकल मौसम बरसात के मौसम आजकल बरसात के मौसम में सारी जगह हरियाली है। और दोस्तों मजाक तो बनता रहेगा दीपाली का, चलते हैं आगे आगे। तो दोस्तों इस पेड़ को देखिए, ये कौन सा पेड़ है दीपाली है, पेड़ का नाम भी नहीं पता है, पर ये पेड़ काफ़ी पुराना है यहाँ पर जब ये अब मेन हाईवे बनने वाला है अब। हाँ अब जो हमारी ये सड़क है ना कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगी, और यहाँ से ये मिलती है काकड़ा में, पर अभी बरसात के कारण यहाँ का काम रुका हुआ है। चार धाम यात्रा के लिए अब यही रोड होगी, मतलब कुछ सालों बाद यहाँ ये मेन रोड होगी, और हमारे जो ये ना यहाँ ये बैक में पड़ जाएगा। तो ये देखिए और आगे दिख रहा होगा आपको, ये है भारत सेवाश्रम जो कि स्कूल भी है और हॉस्टल भी है ना, हॉस्टल भी है। तो देखिए और यहाँ ये 3-स्टार होटल। देखिए दोस्तों ऊपर से वाटरफॉल झरना, डिजिटल वाटर। और यहाँ पे सड़कों के हाल देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये पार ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तभी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। और सड़क के हाल देखोगे ना, अभी आगे जाके दिखाते हैं, उधर से एक ट्रक आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे साइड में खड़े हो रखे हैं, क्योंकि वो जाएगा फिर ही हम जा पाएंगे। दोस्तों वहाँ पर सड़क के इतने बुरे हाल थे ना, हमें रोड क्रॉस करने में मुश्किल। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सीढ़ीदार खेत है, कैसे में ये फैल, यहाँ पे तो फिर भी नॉर्मल है, वहाँ पर तो हमें सड़क पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ देखिए जल्दी चल भाई, जल्दी चल रे हीरोइन गाड़ी वाली ना। तो यहाँ पर है यहाँ का हनुमान मंदिर जो कि ठीक यहाँ चोपता और यहाँ ऊपर मधमेश्वर मार्ग के वहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है स्कूल स्वामी परमानंद, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कलाकारी की गई है छोटे बच्चों द्वारा कैसे वाटर एक संदेश दिया गया है ड्राइंग के माध्यम से। देखिए आगे बढ़ते रहे, मैं तेरे साथ हूँ।
एक यहाँ पर ये भी हमारे भाषा में जैसे गदेरा ही बोलते हैं। आपकी भाषा में वाटरफॉल है वो, पर हमारी भाषा में उसे गदेरा बोलते हैं। तो अभी हमने सोचा यहाँ से वापस मुड़ने का, क्योंकि इससे आगे जाने का मन नहीं है हमारा, काफ़ी आगे। अब देखो तुम ना से आते टाइम कांवड़े लोग की भीड़ अब लग जाएगी। हाँ तो अब कांवड़ लोग आते हैं, तो चलते हैं अब हम घर की तरफ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करूँगी आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूरी नहीं है कर रहे हो ही करो, बट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलती हूँ जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दिखाएंगे आपको खूबसूरती प्रीत आरती रावत। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हाल है, सड़कों के किनारे पानी ऐसे आ रहा है, और बाइक इधर से जा रही है, छोटी गाड़ी यहाँ से जा रही है, पर हमें अभी जल्दी जल्दी जाना होगा। और यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा, पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है, और हमें अभी जल्दी निकलना पड़ेगा। ये देखो देखिए तो दोस्तों ये हाल हो रखे हैं यहाँ पर सड़क के।